तो आ तरफ दादरा नगर हवेली 200 करोड़ विकास कार्यों लोकार्पण करते जमा वोटर सप्लाई योजना अंतरियाल विस्तारों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर दमण गंगा रिवरफ्रंट योजना दादरा नगर हवेली पाटनगर सिलवास नगरपालिका भवन लोकार्पण करते तो त्रय प्रदेशों में आकार पामना 150 बेड की आधुनिक मेडिकल कॉलेज सायली खाते वडाप्रधान खातमुहूर्त करते। गांधीनगर में माता हीराबा ने मळवा पीएम नरेन्द्र मोदी पहुंचा था। पीएम मोदी नाना भाई ना घरे रहता माता हीराबा ने मळवा माटे सरगासन खाते पहुंचा। पीएम मोदीए माता हीराबा ने मळीने तेमना आशीर्वाद मेळव्या हता। गांधीनगर में वायब्रंट समिति लईने मुख्य सचिव जयंत सिंहे निवेदन आप्यु छे। तेमणे कह्यु छे के धोलेरा में चीननी कंपनी स्टील प्लांट लगावशे। चीननी कंपनीए स्टील प्लांट माटे एमओयू कर्या छे। गुजरात में वधु रोकाण थाय ते अंगे पीएम मोदीए चर्चा करी। राजकोट में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी द्वारा महत्व निर्णय लेवायो छे। नवा वर्ष थी बीएड और एमएड विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा रद्द करवामां आवी छे। तेथी पांचमा और छठा सेमेस्टर विद्यार्थियों ने मेरिट ने आधार प्रवेश आपवामां आवशे। अमदावाद में एसवीपी होस्पिटल में दर्दी ने सारवार आपवानुं शुरू करवामां आव्युं छे। प्रायोगिक धोरणे ओपीडी शुरू करवामां आवी छे। एक सप्ताह बाद अन्य सारवारनी सुविधा पण शुरू करवामां आवशे। होस्पिटल में पेपरलेस कामगीरी ने लईने दर्दी ने यूनिक आईडी कार्ड आपवामां आवी रह्युं छे। यूनिक आईडी कार्ड लाइफ टाइम चालशे। अमदावादी नवनिर्मित सरदार पटेल होस्पिटल दर्दियों ने सारवार आपवाना मुद्दे पहला दिवसे ज विवाद में आवी। शुक्रवार थी ओपीडी और 300 जनरल बेड की शुरुआत करी देवानी जाहरात करवामां आवी हती। जो कि सवारे 8 थी 1 दरमियान मात्र ओपीडी ज चालू रही और त्यारबाद होस्पिटल बंद करी देवाई। बपोर बाद होस्पिटल बंद होवाने कारणे दर्दियों ने परत फरवानो वारो आव्यो। सूरत में 432 हिंदुओं धर्म परिवर्तन करते। आ तमाम हिंदुओं बौद्ध धर्म अपनावशे। गोडाद्राना मंगल पांडे कम्युनिटी हॉल में तेमनो बौद्ध धर्म दीक्षा अंगीकार समारोह योजवामां आवशे। नोंधनीय छे कि आ तमाम हिंदुओं पोतानी इच्छा थी धर्म परिवर्तन करी रह्या छे। छेल्ला 6 वर्षथी भरूच अने नर्मदानी प्रजा खेडूतो सहित उद्योगो मीठा जल माटे वलखा मारी रह्या छे। दरियाना खारा पाणी ने नर्मदा नदी में 50 किलोमीटर सुधी घर करी जता समस्या वधु घेरी बनी छे। राज्य में 10 मोटा जलाशयों में गत वर्षनी जान्युआरी महीना करता पण 17% ओछो पाणीनो जत्थो बच्यो छे। तो 2 वर्ष पहला नर्मदा डेम पर 30 दरवाजा मुकी 138.68 मीटर की महत्तम ऊंचाई काम पूर्ण करायू हतु। नर्मदा डेम संपूर्ण भराता पानी की समस्या नहीं सर्जाय तेवो आशावाद व्यक्त करायो। जो कि जान्युआरी में ज नर्मदा डेम सहित राज्य मोटा 10 डेमों की स्थिति गत वर्ष जान्युआरी करता पण चिंताजनक बनी छे। त्यारे आगामी उनाळा में जलसंकट की स्थिति उपजे तेवी शक्यता छे। मुंबई में योजना एक डायराना कार्यक्रम में लोक गायिका गीता रबारी एक व्यक्ति पर गुस्से थी गया। गीता रबारी कार्यक्रम में एक चाहक अचानक स्टेज पर आई जोड़े सेल्फी लेवा जाए छे। चाहक सेल्फी लेवा जता ज गीता रबारी ने गुस्सो आ जाए छे। नोंधनीय छे कि आ डायरो मुंबई दहीसर खाते विश्वकर्मा मंदिर लाभार्थी योजायो हतो। जूनागढ़ युवाओं कौमी एकता एक अनोखो उदाहरण पूरु पाड़ी। जूनागढ़ रोटरी क्लब युवा सभ्य शहर में आवेला जागनाथ महादेव मंदिर और शहर की एक मस्जिद में भलाई ना बॉक्स मुक्या छे। जेमा लोको न वपराती होय तेवी बिनजरूरी चीजवस्तु दान करे छे। जेने रोटरी क्लब ना सभ्य आ प्रकार जरूरियातमंद लोग ने कोईपण प्रकार अनाज जात भेदभाव वगर चीजवस्तु पहुंचाड़े छे। बनासकांठा वाव पास डेरियाज गाम में बाळलग्न मुद्दे 4 लोग सामे फरियाद नोंधाई। जिला समाज सुरक्षा अधिकारी द्वारा फरियाद करवामां आवी। कन्या और वर की उम्र पुख्त न होवा छता लग्न कराव्या होवाथी माता पिता विरुद्ध वाव पुलिसे फरियाद नोंधी छे। जामनगर में आवेला पडाणा तालुका प्राथमिक शाळाना आचार्य सामे पुलिस फरियाद नोंधाई। जिला प्राथमिक शिक्षण अधिकारीए सरकारी नाणानी उचापत करवाना आरोप में आचार्य ने फरज मौकूफ करी देवानो आदेश आप्यो। आचार्य विजयसिंह सोलंकी सामे रूपया 19.87 लाख की उचापती फरियाद नोंधाई छे। सूरतना हरिनगर में आवेली देवनारायण ट्रस्ट में आग लागी हती। आग लागवानी घटना ने लई 5 फायर फाइटर घटना स्थले पहुंचा ने आग पर काबू मेळव्यो। शॉर्ट सर्किट ने कारण गोडाउन में आग लागी हती। आग लागता गोडाउन में राखेला दीवासळी ना बंडल नो जत्थो बळीने खाक थई गयो।
રાજકોટના કોઠારીયા રોડ પર એક કમ્પ્યુટર ક્લાસીસના સંચાલકે માન્યતા વગર આયુષ્યમાન કાર્ડ કાઢવાની યોજના અમલી બનાવી હતી, જેમાં તે લોકો પાસેથી કાર્ડના રૂપિયા 30 બદલે રૂપિયા 100 ઉઘરાવતો હતો. લોકો સાથે છતાપિંડી થતી હોવાની ફરિયાદો ઉઠતા જિલ્લા પંચાયત અને મનપાની આરોગ્યની ટીમે સંયુક્ત દરોડો પાડી કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો.